हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो बहुत दिन के बाद मैं एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ और मैं ये वाला रेसिपी ना मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, मुझे पता भी नहीं है कैसे बनेगा। मैं आज एक नई टाइप का सैंडविच बनाने वाली हूँ और पता नहीं कैसे बनेगा, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है नए नए आइटम ट्राई करना। तो ये भी मैं ट्राई कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ शेयर कर लूँ। अगर अच्छा लगेगा तो अच्छी बात है, और आप भी ट्राई करना, आपको अगर अच्छा लग जाएगा तो पता तो नहीं है, देखते हैं क्या बनता है, कैसे बनता है। तो चलो बनाते हैं और आप भी ज़रूर ट्राई करना, ठीक है? आप भी कमेंट में मुझे बताना कि ये वाला डिश कैसा था, कैसा आपको लगा, ठीक है? तो चलो बनाते हैं। तो मैं कढ़ाई में थोड़ा तेल ले रही हूँ और थोड़ा गर्म होने के बाद मैं इसमें कैप्सिकम डालूँगी, थोड़ा फ्राई करूँगी, अच्छे से थोड़ा सा पकने दूँगी क्योंकि इसे अच्छा नहीं लगेगा शायद, तो इसलिए मैंने ऐसे कर रही हूँ। थोड़ा सा पकने दूँगी और उसके ऊपर थोड़ा सॉल्ट डालूँगी टेस्ट के वाइज, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़ा मैं सॉल्ट डालकर उसे सोटे कर लूँगी, उसके बाद उसको निकाल दूँगी। और यहाँ मैं ब्रेड ले रही हूँ, ये ब्राउन ब्रेड है और ये मल्टीग्रेन ब्रेड है, और उसके चारों तरफ का जो छिलका है उसको निकाल दिया मैंने। और इसको फेंकूँगी नहीं, इसको मैं ड्राई रोस्ट करके उसका ब्रेड क्रम जो है वो बना लूँगी, और पकोड़े वगैरह में ये काम आएगा, तो मैं इसको वेस्ट नहीं करूँगी। तो ये मुझे कट करके रेडी कर लिया। और अभी मैं टमाटर के साथ भी वैसे करूँगी जैसे मैं कैप्सिकम के साथ की थी, थोड़ा सा सॉल्ट देकर उसको थोड़ा सोटे कर लूँगी। प्याज को भी ऐसे ही मैंने जैसे कैप्सिकम टमाटर की थी वैसे ही प्याज को भी कर ली। तो ब्रेड ले रही, उसके ऊपर जो गार्लिक बटर होता है रेडीमेड वाला गार्लिक बटर, उसको मैंने लगा दी, और मुझे प्लेन बटर भी आप यूज़ कर सकते हो। और उसके ऊपर मैंने जो कैप्सिकम टमाटर एंड ओनियन रखी थी उसको लगाऊंगी। और कुकुम्बर में यहाँ रॉ यूज़ कर रही हूँ, उसको सटे नहीं की थी, तो कुकुम्बर को ऐसे ही छिलका निकाल के उसके ऊपर कच्चा वाला जो है उसको रखूँगी। और उसके ऊपर मैंने सॉल्ट ऐड किया और ब्लैक पेपर भी, ब्लैक पेपर इसमें मैंडेटरी है, ब्लैक पेपर ही उसका टेस्ट बढ़ाता है सैंडविच का, तो ब्लैक पेपर आप ज़रूर डालिए। और उसके ऊपर मैंने ब्लैक गार्लिक था मेरे पास, तो ब्लैक गार्लिक मैं रख रही हूँ थोड़ा कलरफुल के लिए, और मुझे ब्लैक गार्लिक बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं सभी में यूज़ करती हूँ। तो यहाँ मैं गार्निशिंग कर रही हूँ, और इसको आराम से गार्निशिंग करना है, नहीं तो ये मतलब आपको पता होगा सैंडविच अच्छा नहीं लगेगा। और मैंने इतना जल्दी जल्दी में गार्निशिंग की ना, तो वो उधर उधर इधर उधर हो रहा है, और यहाँ देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है कलर, तो अच्छा तो लग रहा है, पता नहीं टेस्ट कैसा होगा। तो ये हो गया, और उसके बाद आप चीज़ भी ऐड कर सकते हो, चीज़ के लिए आप फिर से उसको बेक करना पड़ेगा, बट मैं ये नो बेक वाला कर रही हूँ तो चीज़ नहीं ऐड करूँगी। और उसके ऊपर जो दूसरा ब्रेड था ना उसको कवर कर लिया मैंने, और उसको थोड़ा सा प्रेस कर लेती हूँ जिसके वजह से वो नीचे सब जो कुकुम्बर सलाद वगैरह जो भी है ना वो थोड़ा सा सेट हो जाएगा। और मैंने उसका कट कर ली, तो देख सकते हो बहुत अच्छा लग रहा है और सिंपल सा रेसिपी है। अगर आप चाहो तो सारी सब्जी को कच्चे भी डाल सकते हो, अगर कच्चा खा सकते हो तो, लेकिन मैंने थोड़ा सटे कर लिया। और उसके ऊपर थोड़ा अच्छा दिखने के लिए मैं टमाटर डाल दी, और ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने उसको स्पून से चारों तरफ फैला दी, और अभी लुक वाइज चलेगा, और ये अच्छा टेस्ट भी था, देखो अच्छा था, मतलब इतना भी बुरा नहीं था और खाने के लायक एक्चुअली अच्छा था, सिंपल सा था, और मुझे तो अच्छा लगा। आप ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कैसा था ये, ठीक है? तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। ओके, बाय बाय।